नमस्कार, अग्रविजन चैनल में आपका स्वागत और हार्दिक अभिनंदन। आप देख रहे हैं कार्यक्रम गुरु मंत्र, एक ऐसा कार्यक्रम जिसमें आपकी जिज्ञासा और आपके प्रश्नों का समाधान कराते हैं हम एक एक्सपर्ट गुरु से। और आज के एक्सपर्ट गुरु हैं डॉक्टर उमेश चंद्र पाठक, महाराजा अग्रसेन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट स्टडीज़ में मास कम्युनिकेशन डिपार्टमेंट के हेड। डिपार्टमेंट के हेड के साथ साथ उन्हें फिल्म की बहुत अच्छी जानकारी है और एक फिल्म समीक्षक भी हैं। डॉक्टर साहब नमस्कार, आपका स्वागत हमारे कार्यक्रम में। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। सर एक बात पूछना चाहता हूं मैं आपसे कि जो फिल्म स्टडीज़ है वो है क्या, उसमें क्या पढ़ाया जाता है? देखिए, सिनेमा एक बहुत ही महत्वपूर्ण माध्यम है मास कम्युनिकेशन का, और पूरी दुनिया में अगर देखा जाए तो सिनेमा सदियों से प्रभावित करता चला आ रहा है। सिनेमा जब बदलता है तो परिदृश्य बदल जाते हैं और समाज में उसका प्रभाव हमेशा देखा जाता है, आज भी देखा जाता है, पहले भी। एक तरह से कहा जाए तो सिनेमा जो है साहित्य का एक अपडेटेड अपग्रेडेड फॉर्मेट है, साहित्य का नया रूप है। तो समाज में जो घटित होता है वो सिनेमा में आता है और सिनेमा से समाज भी प्रभावित होता है। और जहाँ तक इसके अध्ययन की बात है तो मास कम्युनिकेशन के एक सब्जेक्ट के तौर पर सिनेमा पूरे दुनिया में एक अच्छे विषय के रूप में मशहूर है। और फिल्म स्टडीज पढ़ाई जो है भारत में तो खैर होती ही है, हमारे यहाँ फिल्म एंड टेलीविजन इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया पुणे, जहाँ से इतने सारे कलाकार निकले हैं देश के, और दुनिया में भी अगर देखें तो बहुत सारे इस तरह के बड़े फिल्म इंस्टीट्यूट हैं आपके लंदन में, यूके में, यूनाइटेड स्टेट में, और विश्व भर में सिनेमा का अध्ययन किया जाता है। सर आप पुणे का नाम लिया आपने, इसके अलावा कहाँ कहाँ इसकी पढ़ाई होती है और कितने साल का कोर्स होता है? देखिए, ये मैक्सिमम डिप्लोमा कोर्सेज ज़्यादातर हैं, आजकल तो 2 साल के एमए मास कम्युनिकेशन के साथ साथ एमए फिल्म स्टडीज़ भी शुरू हो चुका है, बहुत सारे विश्वविद्यालय इसमें डिग्री दे रहे हैं। और एफटीआई में आज भी डिप्लोमा ही है, और वो डिप्लोमा जो है 1 से 2 साल के डिप्लोमा होते हैं, और कुछ शॉर्ट टर्म कोर्सेज भी आजकल शुरू हो गए हैं फिल्म अप्रिसिएशन के, वो एफटीआई के साथ टाई अप करके लोग कराते हैं, जिसमें बेसिक जानकारी सिनेमा के बारे में दी जाती है कि क्या सिनेमा के एलिमेंट्स हैं, क्या तत्व हैं, और कैसे सिनेमा को समझा जा सकता है। बड़ा वास्ट है सिनेमा का एरिया, बहुत व्यापक फलक है इसका। विश्व सिनेमा में अगर हम जाएंगे तो मानव के जीवन के लगभग हर पहलू को ये विश्व सिनेमा छूता है, तो एक तरह से विराट स्वरूप है इसका। सर विराट स्वरूप है तो विराट स्वरूप को देखना पड़ेगा, अगर फिल्म देखेंगे तभी हमें उसका पता लगेगा। बिल्कुल। तो हमें फिल्म देखने के अलावा और जो बच्चे इसमें अपना कैरियर बनाना चाहें उसको और क्या चीज़ सीखनी चाहिए? देखिए, फिल्म देखना और मनोरंजन के लिए देखना दो अलग चीज़ें हैं। सिनेमा अध्ययन के लिए फिल्म देखने का मतलब होता है कि आप एक दृष्टा की तरह देख रहे हैं, फिल्म को समझने के लिए देख रहे हैं। फिल्म के देखने के साथ उसके तकनीकी पक्षों पर भी आपकी नज़र होती है, जैसे कि लाइट अगर आ रही है तो लाइट कहाँ से प्रोजेक्ट हो रही है, या फिर स्क्रिप्ट है तो कितनी कसी हुई है, उस पटकथा का, उस डायलॉग का कितना इम्पैक्ट हो रहा है, बैकग्राउंड स्कोर कैसा है, और फिल्म का संगीत किस तरह से एक्सप्रेशन को प्रभावित कर रहा है। इस तरह से पूरी स्टोरी ट्रीटमेंट जो है सिनेमा के टेक्निकल एस्पेक्ट्स को लेकर के देखने की ज़रूरत होती है। इसके लिए शुरुआत तो विद्यार्थी को विश्व सिनेमा के जो लैंडमार्क्स हैं, या भारतीय सिनेमा के भी आप कह सकते हैं, भारत में भी बहुत बड़ा विशाल एक कैटेगरी हो जाती है। आप दक्षिण भारत के सिनेमा को देखते हैं, उत्तर भारत के हिंदी सिनेमा को देखते हैं, हिंदी सिनेमा ज़्यादा प्रचलित हो गया, लेकिन साथ में जो हमारे रीजनल सिनेमा है वो भी कम महत्वपूर्ण नहीं है। और सत्यजीत रे ने बंगाल से ही एक ऐसी फिल्म बनाई जो ऑस्कर तक पहुँची और भारत को पूरी दुनिया में एक सम्मान दिलाया, और वो कहानी थी सत्यजीत रे की, अपूरे गाथा, जिसको हम पाथेर पांचाली के नाम से जानते हैं। तो सिनेमा देखना तो ज़रूरी है, लेकिन सिनेमा देखने का नज़रिया बदलना पड़ेगा एक फिल्म विद्यार्थी के तौर पे। सर फिल्म मेकिंग और फिल्म स्टडीज़ दोनों कितने एक दूसरे के पूरक हैं? अगर आप फिल्म स्टडीज़ पढ़ना चाहते हो तो फिल्म मेकिंग में जो बच्चे हैं उसको किस तरह से उसका लाभ मिलता है? देखिए, दोनों एक दूसरे के पूरक भी हैं और थोड़ी सी इनमें भिन्नता भी है। फिल्म मेकिंग या फिल्म प्रोडक्शन एक पूरी तरह से व्यवहारिक और प्रायोगिक प्रक्रिया है, लेकिन उसके साथ सैद्धांतिक प्रक्रिया के रूप में आप जब फिल्म स्टडीज कर लेते हैं तो आपको बेसिक चीज़ों की अच्छी जानकारी होती है, तो आप अच्छे से उस काम को कर पाते हैं। ठीक वैसे ही जैसे किसी भोजन या व्यंजन को बनाने के लिए आपको रेसिपी का ज्ञान है तो आपके पास जब वस्तुएँ हैं तो आप बेहतर बना पाते हैं, लेकिन अगर आपको रेसिपी नहीं पता है तो आपको बेहतर सामग्री देने के बाद भी भोजन या आपका जो व्यंजन है बेहतर नहीं बन सकता है।
तो जो आप कह रहे हैं कि वो बेहतर भोजन और रेसिपी की ज़रूरत है, तो जो फिल्म स्टडीज़ जो जिसकी पढ़ाई चल रही है उसके लिए, बच्चे के लिए कहाँ कहाँ उसके लिए भविष्य के रास्ते खुलते हैं अगर वो फिल्म स्टडीज़ पढ़ता है? भारत में तो देखिए सबसे मशहूर हमारा फिल्म एंड टेलीविज़न इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया पुणे है। इसके अलावा आजकल सत्यजीत रे फिल्म इंस्टीट्यूट कोलकाता में है, और फिल्म इंस्टीट्यूट बहुत सारे भारत सरकार आगे प्लान कर रही है। उड़ीसा में भी आपका फिल्म इंस्टीट्यूट हो चुका है, यहाँ तक कि आसाम में गुवाहाटी में एक ऐसा संस्थान भी है जहाँ 12वीं के बाद भी फिल्म की पढ़ाई होती है। मुझे लगता है कि संभवतः भारत में वो अकेला संस्थान ऐसा है जो सरकारी संस्थान है लेकिन वहाँ 12वीं के बाद भी फिल्म स्टडीज़ की व्यवस्था है। नहीं सर, मैं बात कर रहा हूँ फिल्म पढ़ने के बाद में, जैसे आपने पढ़ाई की बात करी, अगर मैं फिल्म स्टडीज़ पढ़ लिया पढ़ने के बाद में मेरे को कहाँ करियर के लिए, मैं कहाँ अपना व्यवसाय चुन सकता हूँ, कहाँ उसमें जा सकता हूँ? फिल्म स्टडीज़ के कई पहलू हैं। फिल्म स्टडीज़ में जो डिप्लोमा FTI में है या अन्य संस्थाओं में, भारतीय संस्थाओं में या विदेश के संस्थाओं में है, तो बड़े सारे उसमें टेक्निकल एस्पेक्ट्स हैं जिसको लेके आप आगे बढ़ सकते हैं। फिल्म स्टडीज़ के बाद आप प्रोड्यूसर हो सकते हैं, डायरेक्टर हो सकते हैं, आप फिल्म अभिनेता अभिनेत्री तो बन ही सकते हैं। इसके अलावा आपके पास जो है और भी बड़े सारे रास्ते हैं, जैसे कि फिल्म समीक्षक भी हो सकते हैं आप, और कैमरामैन की पढ़ाई, जो इसके लिए बहुत ज़रूरी है कि आप 12वीं तक फिजिक्स का अध्ययन बहुत आवश्यक हो जाता है अगर सिनेमाटोग्राफी में आपको डिप्लोमा करना है तो, क्योंकि वो ज़्यादातर वो उधर फिजिक्स आगे काम आता है, इसलिए एक मैंडेटरी किया हुआ है कि 10+2 तक आपको फिजिक्स का आना चाहिए, तभी सिनेमाटोग्राफी के लिए आप अप्लाई कर सकते हैं। सर, आपने 12वीं की बात की, जहाँ तक स्कूली शिक्षा है, स्कूली शिक्षा तक हमें पता नहीं होता कि फिल्म स्टडीज की पढ़ाई भी होती है, जहाँ तक कि मास कम्युनिकेशन का भी, जैसे जर्नलिज्म का कोर्स है, तो हमें 10वीं 12वीं तक पता नहीं होता कि इस तरह का कोर्स भी होता है, तो क्या ये हमें स्कूली स्तर से शुरू नहीं करना चाहिए? ये CBSE ने कई साल पहले शुरू कर दिया है, हालांकि अभी ये ऑप्शनल पेपर के तौर पे मास कम्युनिकेशन है, लेकिन अब पूरे देश में धीरे धीरे मुझे लगता है कि जल्दी कोर सब्जेक्ट भी बनेगा, और ऑप्शनल के तौर पे तो अभी CBSE में यह मौजूद है, और पूरे देश में इसको जो है 12वीं तक के क्लासेस में पढ़ाया जा रहा है। बच्चों को बेसिक मास कम्युनिकेशन के बारे में जानकारी है, पहले कम्युनिकेशन के बारे में बच्चे नहीं जानते थे, लेकिन आज की जो पीढ़ी है, जनरेशन है, वो बहुत ही वेल इक्विप्ड है टूल्स और आज के टेक्निक के साथ, तकनीकी रूप से बहुत सक्षम है, और वो जानते हैं बेसिक एडिटिंग और बेसिक जो फोटोग्राफी है वो सारे बच्चों को लगभग आजकल पता है, तो इसलिए उनका रुझान भी बहुत तेज़ी के साथ इस मास कम्युनिकेशन और बहुत सारे जो एस्पेक्ट्स हैं फिल्म में भी उधर बढ़ रहा है, क्योंकि अभी जो नए दौर का सिनेमा है वो डिजिटल है और डिजिटल सिनेमा का ही भविष्य है। ऐसे में जब ऑनलाइन ऐप पर और डिजिटल प्लेटफॉर्म पर फिल्में रिलीज हो रही हैं तो एक नया अवसर खुल रहा है आने वाली पीढ़ियों के लिए सिनेमा उद्योग में अलग अलग तकनीकी रूप में सक्षम होकर के आगे आने का। सर, डिजिटल की बात आपने की, लेकिन जहाँ तक डिजिटल है वो टेक्नोलॉजी डिजिटल है, लेकिन जो हमारे फिल्म होती है, जो हमारा कहते हैं कि फिल्म जो है समाज का आईना होती है, तो उस आईने के लिए सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट चीज़ है आलेख, आपकी स्क्रिप्ट। स्क्रिप्टिंग में हमें किस चीज़ का ध्यान देना चाहिए? देखिए, स्क्रिप्ट लिखना एक बहुत कठिन काम है। आपने बहुत सही कहा है कि स्क्रिप्ट जो है आधार है सिनेमा का, या किसी भी विजुअल प्रोडक्शन का एक आधार है। विजुअल का एक अपना ग्रामर होता है, तो स्क्रिप्ट लिखने वाले को तकनीकी रूप से कैमरे का भी ज्ञान होना चाहिए, बाकी जो लाइटिंग है, टेक्निक है, उनका भी बेसिक ज्ञान बहुत ज़रूरी हो जाता है। भाषा का ज्ञान तो आवश्यक है ही, क्योंकि स्क्रिप्ट जिसको हिंदी में पटकथा कहते हैं, पर्दे की कथा, तो पटकथा लिखने के लिए, जो गढ़ने के लिए, भाषाई रूप से सक्षम होने के साथ समाज और देश दुनिया पर पकड़ और उसकी नब्ज को टटोलने वाला अनुभव भी चाहिए, तभी आप एक कैरेक्टर गढ़ पाते हैं, चरित्र गढ़ पाते हैं, उस चरित्र का पहनावा, उस चरित्र की भाषा और उस चरित्र की विशेष परिस्थिति में क्या प्रतिक्रियाएं होंगी, एक्शन रिएक्शन होंगे, वो भी आप अज्यूम करके लिख पाते हैं। तो ये एक लंबा अनुभव का काम है, और जो एक अच्छे अनुभवी लेखक हैं उन्होंने समय समय पर बहुत अच्छी पटकथाएँ दी हैं, और भारत की अपेक्षा हॉलीवुड में मैं देखता हूँ कि स्क्रिप्ट का काम बहुत गंभीरता के साथ किया जाता है। वहाँ जब तक स्क्रिप्ट तैयार नहीं होती तब तक शूटिंग नहीं शुरू होती है, और इसीलिए शायद वो वंडर करते हैं, हमारे दुनिया भर में उनकी फिल्में पहुँचती हैं और उनका सम्मान होता है, और वो चीज़ हालांकि अब हमारे देश में भी आने लगी। स्क्रिप्ट के रूप में हम पहले बहुत सक्षम थे, बीच में एक दौर फार्मूला फिल्मों का आया जब मिलना बिछुड़ना और एक्शन रिएक्शन ही रह गया, लेकिन अब फिर हम एक सार्थक सिनेमा की ओर आगे बढ़ रहे हैं और इसको दुनिया देख रही है। हमारी फिल्में, बाहुबली जैसी फिल्में बन रही हैं जो पूरी दुनिया को आकर्षित कर रही हैं। सर, फिल्म को जो फीचर फिल्म है या जो पर्दे वाली फिल्म है और जो टेलीविज़न की फिल्म है, उस पर किस तरह का थोड़ा अंतर, किस तरह का रहता है? देखिए, फॉर्मेट का एक बहुत बड़ा फ़र्क है। फॉर्मेट बदलते ही पूरा का पूरा बजट और उसका
परिदृश्य ही बदल जाता है। जैसे सिनेमा एक बहुत एक्सपेंसिव मीडियम है, जैसे मैं उदाहरण दूँ कि एक राजा का दरबार लगा हुआ है, एक कहानी के रूप में अगर लिखेंगे तो ये एक लाइन की चीज़ है, इसमें कुछ नहीं होने वाला है। अगर आप इसको ऑडियो विजुअल के जगह केवल ऑडियो में रखेंगे, रिकॉर्डिंग करेंगे, तो भी कुछ ज़्यादा खर्चा नहीं होने वाला है। लेकिन इसको अगर आप सिनेमा में पिक्चराइज करेंगे तो ये 4-5 सेकंड का दृश्य एक राजा के दरबार में करोड़ों रुपये खर्च करने वाला है। तो एक्सपेंसिव मीडियम है, इसलिए इस पर पैसे कैसे खर्च हों और किस तरह की पटकथा हो जिससे रेवेन्यू भी जनरेट हो सके, क्योंकि बहुत माध्यम महंगा है, इसलिए इस पर बहुत गंभीरता के साथ पूरी टीम काम करती है और एक बहुत बड़ा टीम एफर्ट है सिनेमा, जिससे लोगों की रोजी रोटी जुड़ी होती है। एक फिल्म के साथ 400-500 लोगों का परिवार जुड़ा होता है, इसलिए बड़ा गंभीर है ये। और कहते हैं कॉमेडी इज़ अ वेरी सीरियस जॉब, तो सिनेमा प्रोडक्शन इज नॉट एन ईजी टास्क, इट्स रियली वेरी डिफिकल्ट एंड इट्स अ टीम वर्क एंड नीड अ लॉट ऑफ एफर्ट्स ऑफ ऑल द पीपल हु आर वर्किंग एज अ क्रू मेंबर्स इन सिनेमा। सर, टीम एफर्ट्स हर चीज़ में, जहाँ भी आप मेहनत करोगे उसका रिजल्ट अच्छा आएगा जी। लेकिन एक इसमें स्टडीज़ करने वाला, फिल्म स्टडीज़ में जाने वाला बच्चे को क्या चीज़ों का विशेष ध्यान रखना चाहिए जी? भविष्य के लिए उसके लिए सबसे ज़रूरी चीज़ है कि वर्तमान समाज की समझ, क्योंकि समय बहुत तेज़ी के साथ परिवर्तित हो रहा है और समय के साथ जो चलता है वही कमाल करता है। वक्त की नब्ज को पकड़ कर जो स्क्रिप्ट लिखी जाएगी, आप देखें तो आजकल वेब सीरीज़ की एक बहुत बड़ी बाढ़ आई हुई है ऑनलाइन डिजिटल प्लेटफॉर्म पे, और अच्छे बुरे बहुत सारे चरित्र और बहुत तरीके की फिल्में आती हैं, लेकिन ऐसे में भी कुछ ऐसे युवा डायरेक्टर, प्रोड्यूसर और लेखक आ रहे हैं जो एक कहते हैं कि ठंडी हवा के झोंके की तरह सुकून देने वाले काम करते हैं। जैसे मैं उदाहरण देना चाहूँगा, एक सीरीज चंदन पांडे की कहानी लेकर आई पंचायत, तो आज के दौर में एक साफ़ सुथरी और ग्रामीण परिवेश को लेकर आई हुई सीरीज है। तो इस तरह की कहानियाँ भी आ रही हैं और ये भविष्य का निर्माण ही नहीं करी बल्कि नए लोगों को एक अवसर मिल रहा है, और इस अपॉर्चुनिटी का ही कमाल है कि आज नए नए चेहरे डायरेक्टर के तौर पे, एक्टर के तौर पे उभर कर सामने आ रहे हैं। धन्यवाद सर, आपने बहुत महत्वपूर्ण जानकारी दी। समय के साथ चलना है, समय के साथ चलना है, और आज का जो समय है हमें भारत को एक अच्छे स्तर पर ले जाना है। जिस तरह से भारत आगे बढ़ रहा है उसी तरह से, तो आप भी उसी तरह से इस क्षेत्र में अच्छा काम करें, अच्छी स्क्रिप्ट लिखें, अच्छी टेक्नोलॉजी को सीखें और अपना भविष्य उज्जवल बनाएं। इसके साथ ही मुझे दीजिए अनुमति, नमस्कार, और हमारे चैनल को कीजिए सब्सक्राइब और शेयर करना न भूलें। धन्यवाद।